पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। 10 सीटों पर 3 बजे तक मतदान हुआ और 10 सीटों पर 5 बजे तक वोटिंग हुई। वोटिंग प्रतिशत जो हमारे पास सामने आया है, उस वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि यहां पर जो मताधिकार का प्रयोग काफी अच्छा हुआ है और जो लोग हैं वो अपने घरों से निकले हैं और मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 10 संवेदनशील सीटों पर 3 बजे तक वोटिंग हुई, बाकी की बची 10 सीटों पर 5 बजे तक वोटिंग हुई। मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर में 3 बजे तक वोटिंग हुई। केशकाल, कोंडा गांव, नारायणपुर में भी 3 बजे तक ही वोटिंग हुई। दंतेवाड़ा, कोंटा, बीजापुर, कांकेर में 3 बजे तक वोटिंग हुई। वहीं पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़ में 5 बजे तक मतदान हुआ। डोंगरगांव, राजनांदगांव की बात करें तो वहां पर 5 बजे तक वोटिंग हुई। खुज्जी, बस्तर और इन तमाम सीटों पर 5 बजे तक वोट डाले गए। जगदलपुर की बात कर ले या फिर चित्रकूट की बात कर ले, यहां पर भी 5 बजे तक ही मतदान हुआ। 3 बजे तक मोहला मानपुर में 73% तक वोटिंग हुई। अंतागढ़ में 65.67% वोटिंग हुई। भानुप्रतापपुर की बात कर ले तो भानुप्रतापपुर में 68.50% मतदान हुआ। केशकाल में 60.11% मतदान हुआ। कोंडागांव बेहद ही वीआईपी सीट, 69.03% यहां पर मतदान हुआ। नारायणपुर की बात कर लेते हैं, नारायणपुर में 53.55% मतदान। दंतेवाड़ा की बात करें तो जहां से छविंद्र कर्मा चुनावी मैदान में थे, चैत्रा मटामी बीजेपी के प्रत्याशी, 51.90% यहां पर मतदान हुआ। कोंटा सीट की कवासी लखमा बेहद ही वीआईपी सीट। सोयामुक्का बीजेपी की ओर से 50.12% यहां पर मतदान हुआ। बीजापुर में सबसे कम 30% ही वोट डाले गए। ये तमाम वोटिंग परसेंटेज अलग अलग सीटों पर, 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ जिसमें बस्तर संभाग की 12 सीटें शामिल, इसके अलावा दुर्ग संभाग की 8 सीटें शामिल। 10 संवेदनशील सीटें ऐसी जहां पर 3 बजे तक वोटिंग हुई, वहीं पर 10 बची ऐसी सीटें जहां पर 5 बजे तक मतदान हुआ। और हर जगह का वोटिंग प्रतिशत हमने आपको बताया और इस वोटिंग प्रतिशत से साफ जाहिर होता है कि लोगों में जागरूकता आई है। कई इलाके बस्तर संभाग के ऐसे थे जहां पर आजादी के बाद पहली बार वोटिंग हुई और यहां पर भी लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मताधिकार का इस्तेमाल किया। खासकर महिलाओं की बात इसलिए क्योंकि एक वक्त था जब महिलाओं में उतनी जागरूकता नहीं थी, महिला वोटिंग करने नहीं पहुंचती थी, लेकिन इस बार ये देखा गया कि महिलाओं का जोश हाई नजर आया और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और चलिए सबसे पहले बात कवर्धा सीट की करते हैं। कवर्धा जिले में स्थित है पंडरिया विधानसभा सीट की बात सबसे पहले करेंगे, जहां पर 14 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 5 बजे तक 71.06% मतदान हुआ, यह आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। अब तक कहां कितना मतदान हुआ, पंडरिया की बात करें 71.06% पंडरिया में मतदान हुआ। पंडरिया में भावना बोहरा चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से, वहीं नीलकंठ चंद्रवंशी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी। कवर्धा की बात करते हैं, बेहद ही वीआईपी सीट, 72.89% मतदान हुआ, जहां से मोहम्मद अकबर चुनावी मैदान में है। इसके अलावा खुज्जी सीट की बात करते हैं जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, 72.01% मतदान हुआ। तो ये बैक टू बैक हम आपको तमाम सीटों के वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं। डोंगरगढ़ 77.40% यहां पर मतदान हुआ है, यहां पर भी लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राजनांदगांव सबसे वीआईपी सीट और एकमात्र सीट जिस पर बीजेपी काबिज है, 75.10% यहां पर मतदान हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनावी मैदान में। डोंगरगांव की बात कर लेते हैं, 76.80% यहां पर मतदान हुआ है। ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर पहले चरण में मतदान हुआ, मतदान समाप्त हो चुका है और 5 बजे तक के ये कुछ वोटिंग परसेंटेज आपके टीवी स्क्रीन पर। खैरागढ़ की बात करते हैं, 76.31% यहां पर मतदान दर्ज किया गया। अंतागढ़ सीट की बात कर लेते हैं, अंतागढ़ सीट पर 70.72% यहां पर 3 बजे तक ही मतदान हुआ, क्योंकि ये 10 संवेदनशील सीटों में शामिल था। कांकेर भी 10 संवेदनशील सीटों में शामिल और इस वजह से 76.13% यहां पर मतदान हुआ, 3 बजे तक के ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। भानुप्रतापपुर में भी 3 बजे तक ही वोटिंग हुई।
79.10% यहां पर मतदान हुआ। बढ़ चढ़कर यहां पर मताधिकार का प्रयोग किया गया। बीजापुर में देखिए सबसे कम 40.98% मतदान हुआ है, तो ये सबसे कम बीजापुर में मतदान हुआ। दंतेवाड़ा सीट की बात कर लेते हैं, ये भी संवेदनशील सीटों में से एक, 3 बजे तक मतदान हुआ। 62.55% यहां पर मतदान दर्ज किया गया। तो ये वो तमाम बस्तर संभाग की संवेदनशील सीटें हैं जहां पर दोपहर 3 बजे तक ही मतदान हुआ। वहीं जगदलपुर की बात कर लेते हैं जहां पर शहरी मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। 5 बजे तक यहां पर मतदान हुआ, 75% यहां पर मतदान हुआ है। तमाम सीटें एक एक कर हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कहां पर किस तरीके का वोटिंग परसेंटेज रहा, अब तक कहां कितना मतदान हुआ। बस्तर सीट की बात कर लेते हैं, बस्तर सीट पर 71.39% मतदान हुआ है। 5 बजे तक बस्तर सीट पर मतदान हुआ, 71.39%। अच्छा आंकड़ा, और ये दिखाता है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नारायणपुर सीट की बात कर लेते हैं, नक्सलियों से ये सीट का गढ़ माना जाता है और 3 बजे तक ही यहां पर मतदान हुआ। 63.88% यहां पर मतदान दर्ज किया गया। मौला मानपुर की बात कर लेते हैं, मौला मानपुर में 3 बजे तक ही मतदान हुआ, 76% यहां पर मतदान परसेंटेज आया है। मौला मानपुर में 76% मतदान दर्ज किया गया। चित्रकूट सीट बेहद ही वीआईपी सीट, 5 बजे तक यहां पर मतदान हुआ, 70.36% मतदान यहां पर हुआ है। केशकाल की बात कर लेते हैं, केशकाल में 74.49% मतदान हुआ, यहां भी दोपहर के 3 बजे तक ही मतदान हुआ था। ये भी संवेदनशील सीटों में से एक। कोंडागांव की बात कर ले जो वीआईपी सीट है, 76.29% यहां पर मतदान हुआ, जहां से लता हुसैन डी चुनावी मैदान में है, मोहन मरकाम भी चुनावी मैदान में है। कोंटा की बात करते हैं, सुकमा की सीट कोंटा, जहां से कवासी लखमा, 50.12% यहां पर मतदान हुआ और दोपहर 3 बजे तक ही यहां पर वोटिंग हुई। तो ये वो तमाम वोटिंग परसेंटेज हैं जहां पर देखिए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे थे किस तरीके से इन सीटों पर मतदान दर्ज हुआ और सबसे कम बीजापुर में 40% मतदान हुआ है। हालांकि तमाम ऐसी सीटें हैं बस्तर संभाग की भी जहां पर मतदान प्रतिशत काफी अधिक रहा और ये दर्शाता है कि मताधिकार का प्रयोग यहां पर जो लोग हैं वो करते हुए नजर आए। चाहे महिला की बात कर ले, महिलाओं की संख्या भी काफी अधिक नजर आई। वहीं आपको देखिए 2018 के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए 2018 में जो वोटिंग परसेंटेज थे, बीजेपी 43.04% यहां पर वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का था। कांग्रेस की बात कर ले तो 32.98% वोटिंग परसेंटेज, बसपा 3.87% और अदर्स के खाते में 16.51% यहां पर मतदान पड़े थे। वोट शेयर किसका कितना था वो आप देखिए, बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस यहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था, 15 साल की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंका था, क्लीन स्वीप एक तरह से कह सकते हैं। यहां पर 68 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। वहीं पर बसपा बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिली थी और अन्य को 5 सीटें यहां पर मिली थी। कांग्रेस की स्थिति बेहद ही मजबूत। वहीं पर बस्तर में कौन भारी रहा 2018 के विधानसभा चुनाव में वो आप देखिए, कांग्रेस के पास 11 सीटें यहां पर थी, बीजेपी के पास मात्र 1 सीट, और वो 1 सीट कौन सी, वो 1 सीट थी दंतेवाड़ा, जहां से भीमा मंडावी चुनाव जीत कर आए थे। लेकिन हालांकि भीमा मंडावी की नक्सलियों ने हत्या कर दी, उसके बाद उपचुनाव हुए और देवती कर्मा ने वहां से जीत दर्ज की। इस बार के अगर चुनाव की बात करें तो छविंद्र कर्मा चुनावी मैदान में है कांग्रेस की ओर से। दुर्ग की बात करते हैं अब, 2018 के विधानसभा चुनाव में दुर्ग में कौन किस पर भारी रहा था वो आप ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए। कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी, बीजेपी को 1 सीट, राजनांदगांव सीट बीजेपी को मिली थी। वहीं अदर्स के खाते में यानी कि जो कि कांग्रेस को यहां पर खैरागढ़ की सीट मिली थी। हालांकि खैरागढ़ की जो विधायक थे उनका निधन हो गया, उसके बाद ये सीट वापस कांग्रेस के पास चली गई थी। यानी कि अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहां पर भी जो 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं यहां पर 7 सीटें कांग्रेस के पास थी और 1 सीटें जो राजनांदगांव सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं वो चुनावी मैदान में थे।
तो बिल्कुल देखिए 20 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और अलग अलग जगह से वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आ रहे हैं। शाम के 5 बजे तक किन सीटों पर कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ वो आपको ग्राफ्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे और उस तरह से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से यहां पर समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए कवर्धा की बात कर लेते हैं, 5 बजे तक 72.89% मतदान हुआ। कवर्धा सीट बेहद ही महत्वपूर्ण सीट, यहां से मोहम्मद अकबर चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने बीजेपी के महामंत्री, प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा चुनावी मैदान में हैं। 72.89% यहां पर मतदान हुआ है। ये 5 बजे तक ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, 72.89% कवर्धा में मतदान हुआ। और देखिए ये तो रही पिछली बार की स्थिति, अब आपको समझाते हैं।